इन दिनों ऐश्वर्या राय अपने रिश्ते को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। अभिषेक बच्चन संग तलाक की खबरों के बीच फैंस आज जया बच्चन और नंदन श्वेता बच्चन के पुराने वीडियोस पर कमेंट्स बरसा रहे हैं। लोगों का यहां तक ये भी कहना है कि शुरुआत से ही श्वेता बच्चन को भाभी अपनी पसंद नहीं है। ऐसे वो काफ़ी मौके भी दे चुकी हैं जब श्वेता बच्चन का व्यवहार पे सवाल भी उठे हैं। दरअसल ऐश्वर्या राय इन दिनों काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रही हैं। कभी वजह उनका रिश्ता होता है तो कभी बेटी आराध्या होती है। बीते कुछ दिनों से दोनों ही वजहों से वो चर्चा में रही। जहां आराध्या के संस्कारों को लेकर लोगों ने आश की तारीफें की, तो वहीं पति अभिषेक बच्चन के साथ तलाक की अफवाहों के चलते फैंस ने चिंता जताई। हालांकि फैंस कपल को लेकर अक्सर ऐसा कुछ नोटिस कर ही लेते हैं जो अफवाहों को हवा दे देता है। ऐश्वर्या राय के रिश्ते ससुराल वालों के साथ कैसे हैं, ये सवाल फैंस काफी ज्यादा पूछते हैं। वहीं कई ऐसे भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिसका जवाब लोगों को वहां से मिला और इन्हीं वायरल क्लिप के चलते बच्चन परिवार की बेटी श्वेता नंदा ट्रोल हो गई हैं। कई बार पब्लिक प्लेस पर भी भावे ऐश्वर्या को इग्नोर करने के बाद का फैंस का उन पर जमकर गुस्सा भी फूटा है। दरअसल ऐश्वर्या राय और श्वेता नंदा के बीच रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं। शादी के कुछ साल बाद से ही दोनों के बीच दूरियां देखी गईं। दोनों एक दूसरे को लेकर अक्सर बोलने से बचते हैं। एक ही वक्त पर दोनों को एक साथ में भी नहीं देखा जाता। जब जब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के तलाक की अफवाहें उड़ती हैं तो श्वेता नंदा को वजह बता दिया जाता है। वो चार मौके भी आए हैं जब ननद भाभी के रिश्ते पे सवाल उठे हैं। श्वेता बच्चन को फूटी आंख नहीं सुहाती हैं भाभी ऐश्वर्या। दरअसल मामला है ये पेरिस फैशन वीक का, जब श्वेता नंदा की बेटी नव्या नवेली नंदा ने बेटी ने फैशन वीक में डेब्यू किया। इस दौरान बेटी को सपोर्ट करने श्वेता बच्चन अपनी मां जया बच्चन के साथ पहुंची। इसके बाद श्वेता बच्चन ने बेटी के लिए एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया। दरअसल पेरिस फैशन वीक ऐश्वर्या राय और नव्या ने एक ही ब्रांड के लिए वॉक किया। बावजूद इसके श्वेता ने कहीं पर भी ऐश्वर्या को मेंशन नहीं किया। इसे लेकर फैंस ने श्वेता बच्चन को काफ़ी ट्रोल भी किया और उनका ये कहना था कि अक्सर ऐसा क्यों होता है। करण जौहर के टॉक शो की अगर बात करें तो कॉफी विद करण का कई सेलिब्रिटीज हिस्सा बनते हैं। श्वेता बच्चन भी भाई अभिषेक बच्चन के साथ पहुंची हुई थी और इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि अभिषेक और ऐश्वर्या में से बेहतर स्टार कौन है, तो जिस पर श्वेता बच्चन ने भाई का नाम लिया। उन्होंने भाभी को कहीं पर भी अपने मेंशन नहीं किया। इसी के साथ बताते चले कि जिस पर तुरंत अभिषेक बच्चन से जब पूछा गया कि आप ज़्यादा किससे डरते हैं, तो एक्टर ने कहा कि मैं अपनी माँ से ज़्यादा डरता हूँ। तुरंत ही वहाँ पे एक्टर ने कहा जब माँ से डरता हूँ, तो तुरंत जवाब देते हुए श्वेता बच्चन ने कहा कि नहीं, ये वाइफ से डरता है। एक इंटरव्यू के दौरान जब श्वेता बच्चन से पूछा गया कि उन्हें ऐश्वर्या राय की कौन सी चीज़ और कौन सी आदत नहीं पसंद है, तो इसके जवाब में तुरंत ही श्वेता ने कहा कि ये आदत उनकी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, कि हालांकि वो कभी भी मैसेजेस का जवाब देने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगाती हैं। हालांकि इस दौरान तारीफ भी की थी, पर अक्सर देखा गया है कि किसी भी इंटरव्यू में श्वेता भाभी के बारे में बात करने से बचती हुई नजर आती हैं। वहीं बात करें अगर सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें पूरा बच्चन परिवार किसी वन में पहुंचा हुआ है। अमिताभ बच्चन, श्वेता नंदा, अभिषेक बच्चन और तो और ऐश्वर्या राय पापाजी को पोज दे रहे होते हैं। इस दौरान फोटोग्राफर ऐश से रिक्वेस्ट करते हैं और एक अलग तस्वीर के लिए, तो इस पर श्वेता बच्चन मुंह बनाकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगती हैं और ये वीडियो पहले भी काफ़ी वायरल हो चुका है। इस पर फैंस ने कमेंट किया है। फिलहाल आपके भाभी और ननद के रिश्ते पर क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट सन लाइव।